सेकंड क्वेश्चन हमारा डीपीएसपी के ऊपर ही हमने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डीपीएसपी, डीपीएसपी के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, तो उनको जस्टिसिएबल का मीनिंग क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को यहां पर सोल्व करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, जो मैं अभी तो फिलहाल नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें और फिर इसका आंसर करें। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, तो अगर उनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में उसको एनफोर्स कराने के लिए किसको, डीपीएसपी को नहीं जा सकते हैं, हो सकता है। व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो ये जो प्रिंसिपल्स है आपकी कंट्री जो है उसकी गवर्नेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफी फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जहां पे हम कहते हैं, पहली बात तो डीपीएसपी दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ध्यान रखिएगा राइट। यहां पे नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते इनको एनफोर्स कराने के लिए। तो पहली दो स्टेटमेंट तो हमारी यहां पर मिलती जुलती ही है, ध्यान रखिएगा। जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और इनका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो ऑफकोर्स आप आर्टिकल 32 और 226 के अंडर में जा सकते हैं कोर्ट के पास इनको एनफोर्स कराने के लिए, लेकिन डीपीएसपी के वायलेशन के केस में आप नहीं जा सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, इसका मतलब है दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर इनका वायलेशन होता है, अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। थर्ड, दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं और यहां पर अगर एक वेलफेयर स्टेट आपको बनाना है और उसकी गवर्नेंस को आपको कैरी ऑन करना है तो उसके लिए जो डीपीएसपी है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और देयरफॉर दे आर एक्सट्रीमली फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो किसी भी कंट्री की गवर्नेंस के लिए ये एक फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है। और यहां पर आप एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो इतने अच्छे तरीके से बनाया गया कि हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक बहुत ही प्यारा बैलेंस को एस्टेब्लिश करके रखा है। और इवन मिनर्वा मिल केस 1980 में जो था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बैलेंस जो है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक बैलेंस काफी अच्छा बना के रखा है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर दैट दे आर नॉट जस्टिसिएबल, उनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता और हमारी कंट्री को रन करने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।